हेलो एंड वेलकम टू नॉलेट्स माई नेम ए समितिश सो फ्रेंड्स एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट टू को कवर करेंगे और देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो देखिये सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस इसमें हम देखेंगे कि कैसे मोहन जुदारो या फिर हरपन कल्चर जो है वो कैसे एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है जहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है फिर हम देखेंगे बरियल प्रोसेस क्या क्या था कैसे कैलकुलेटिक पीरियड दैट मींस इनाम गाँव से जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था बरियल का वो कैसे आगे इवॉल्व होता है फिर हम देखेंगे कि कैसे डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का फिर इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनका एक्सकवेशन कौन किया था और फिर वहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को एक्सकेवेट किया गया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको विद फिगर हम देखेंगे एनालाइज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि यूपीएससी के प्रॉब्लम में जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं उनके पैटर्न क्या क्या हैं और कैसे हम उससे हेल्प ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस तो देखिए ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें कोई भी क्लास डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं था दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ने अपना एक क्लास बना लिया जैसे वर्णा सिस्टम हो गया वर्णा सिस्टम आज का जो कास्ट सिस्टम है वर्णा सिस्टम तो कास्ट सिस्टम नहीं था वो क्लास सिस्टम था बट आज का जो सिस्टम है कि कास्ट के बेसिस पे लोगों ने अपने अलग अलग क्लासेस बना रखे हैं तो ये चीज़ वहां फॉलो नहीं होती थी और अपार्ट फ्रॉम दिस सॉरी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी वो भी सेक्युलर नेचर की थी बिकॉज जो भी आदमी भगवान मानता था जिसे भी वो नेचर ही था नेचर ही बेसिकली उन उस समय का जो कॉन्सेप्ट था कि मदर गॉडेस जो धरती माता है हमें खाने को देती है तो ये फर्टिलिटी जो कल्ट है जो फर्टिलिटी नेचर है ह्यूमन बींग और या तो अर्थ का उसे पूजा जाता था और यही रीजन है कि हमें लिंगम और योनी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी भी पूजा होते हुए जो एविडेंसेस मिले हैं और कहीं कहीं तो लिंगम और योनी के टेराकोटा फिग्रेंस भी मिले हैं तो इससे ये पता चलता है कि बेसिकली उस टाइम पीरियड में लोग मदर नेचर की पूजा करते थे रादर किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा करने की और यही रीजन था कि उस टाइम पे कोई डिफरेंट रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था लोग सेक्युलर नेचर के थे लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करते थे और सभी लोग एक ही तरह से बैठ के कॉमन प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट था कि एक बड़े हॉल में सब लोग एक साथ बैठ के नेचर की पूजा कर रहे हैं मदर गॉडेस की फिगरिंग ये रही आपकी मदर गॉडेस इनके फिगर की पूजा करते थे इनके फिगरिंग्स की पूजा करते थे फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल के ट्री को भी की पूजा करने का कॉन्सेप्ट है तो अब हमें ये कैसे पता चलता है तो देखिए सील्स मिले हैं जिसमें पीपल को ट्री को मैंशन किया गया आप यहाँ देख सकते हो फिर इसके बाद पशुपति जो प्रोटोशिवा बोलते हैं तो पशुपति बेसिकली जो बैल रूप होता है जो बैल होते हैं ऑक्स होते हैं उनको जो भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में होती है जैसे कि आपको पता होगा आपके यहाँ पे नेपाल में पशुपति की पूजा होती है वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर भी है शिव भगवान का तो वही जो कॉन्सेप्ट था कि जो एक सील मिला था जिसमें वो सीटेड मुद्रा में थे यौगिक पोजीशन में थे और उनके साथ चारों तरफ जानवर बने हुए थे और एक पिक्टोग्राफिक राइटिंग थी तो बेसिकली आ, इन द ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन थी वहां पे सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता था उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं थी लोग मदर गॉडेस और नेचर की पूजा करते थे फर्टिलिटी की पूजा करते थे तो ये रहा आपका पूरा रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ध्यान दीजिएगा ये सेक्युलर सिविलाइजेशन uh, थी इसे याद रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा गया है नाउ अब हम बात करते हैं बरियल प्रोसेस की तो जब हम कैलकुलेटिव टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड में हमने देखा था कि इनाम गांव जो जगह थी महाराष्ट्र में वहां पे लोगों को बरी किया गया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो सिमिलरली यहां पर भी यही फॉलो किया जाता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उन्हें बरी किया जाता था और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने वहां पढ़ा था कि अर्न के अंदर अन्न जो एक पॉट होता है एक बर्तन होता है उन उसके अंदर लोगों को रख के दफनाया जाता था तो सिमिलरली यहाँ पर वुडन एंड का भी कॉन्सेप्ट है उसमें भी रख के लोगों को दफनाया गया है अपार्ट फ्रॉम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ जैसे कि कॉन्सेप्ट था कि आफ्टर डेथ भी एक कोई लाइफ होती है जहाँ वो जाएगा तो उसे कुछ चाहिए अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तो बेसिकली उनके बरियल बरियल्स जो होते थे उसमें पॉट्स भी मिले हैं आभूषण ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं बीट्स भी मिले हैं ताकि वो अपनी अगली लाइफ में सस्टेन कर सके फिर देखिए वहां तीन तरह के बरियल को फॉलो किया जाता था पहला था आपका कंप्लीट बरियल जिसमें आपको पूरी तरह से दफना दिया जाना फिर होता था फ्रैक्शनल बरियल जैसा कि आपको पता होगा पैलिलिथिक टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल बरियल करते थे लोगों को सॉरी पैलीलिथिक नॉट पैलोलिथिक मिजोलिथिक टाइम पीरियड में जिसमें लोगों को छोड़ दिया उनके जब आ, उनके जो मांस को फ्लैश को जो खा गए अगर पशु पक्षी उसके बाद उनकी हड्डियों को दफनाया जाता था और फिर क्रीमिशियन लोगों को जलाना जो आज हम हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं वो भी प्रैक्टिस उस समय फॉलो की जाती थी और देखिए लोथल एक जो जगह है वहां पे पेयर में आई मीन मेल और फीमेल दोनों को एक साथ दफनाए जाने के भी एविडेंसेस मिले आप यहाँ देख भी सकते हो तो ऐसा था वहां का बरियल प्रोसेस तो बेसिकली वो जो कैलकुलेटिक टाइम पीरियड का जो ट्रेडिशन था उस वो और इवॉल्व हुआ और यहाँ पे लगभग सेम ही फॉलो किया जाता था नाउ हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि डिक्लाइन क्यों हुआ तो बेसिकली देखिए डिक्लाइन का हमें कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता बट हां ये मानते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो मेच्योर पीरियड था हरपन सिविलाइजेशन का वो था आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी से लेकर सेवनटीन फिफ्टी बी सी के ऑलमोस्ट इसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग उसका रीजन है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने मैंसन कर रखा है कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड जैसे कि आपको मोहनजोदारो में बताया हुआ है कि बांध टूट जाता है जो मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें बांध टूटने से वो पूरी एरिया पानी में डूब जाता है कुछ लोग का कहना है कि रिवर सूख गई थी कुछ लोग का यही कहना होता है कि रिवर सूखने से फर्टिलिटी खत्म हो गई थी लैंड की जैसे कि आज वो वो जो एरिया है वो पूरा रेगिस्तान है तो फर्टिलिटी खत्म हो जाने के कारण अर्थक्वेक्स भी आए हैं कालीबंगन जो एक जगह है वहाँ पे अर्थक्वेक के एविडेंसेस भी मिले हैं तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि डिस्ट्रॉय हो, हो गया फिर कुछ और इन्वेजन तो जो हुआ था वो स्टार्ट हो गया था 1500 BC के almost, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि आर्यस का इन्वेजन पच्चीस सौ के ऑलमोस्ट ही स्टार्ट हो गया था किसी किसी बुक्स में ये भी है तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेजन ऑफ आर्यस आर्यस आय जब यहां पे तो उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा बिकॉज जो रिग्वेदा है रिग डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स को भी मेंशन किया गया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सिटीज़ के चारों तरफ फोर्ट्स बनाए गए थे तो बेसिकली ऐसा भी मानते हैं कि इन्विजन ऑफ आर्यन की वजह से भी डिक्लाइन हुआ है अब दो में एक रिसेंट स्टडी पब्लिश की गई थी आई आई और एक और कोई इंस्टीट्यूट था तो उन्होंने ये बताया कि जो जो हमारा मानसून आता है वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून उसका जो 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 ट्रैक था वो शिफ्ट होता है ईस्ट की तरफ और क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली जब वहां पे मानसून का कोई बारिश ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली लोग ट्राई ट्राई टू शिफ्ट टीस्ट वर्ड वो ईस्ट वार्ड बढ़ना शुरू किए और वो गंगा नदी के रीजन में आके वो वहाँ के पेड़ों को काट के वहाँ पे बसना शुरू किए जो हम आगे आर्यन पीरियड में देखेंगे तो ऐसे ये सब रीजन दिए गए हैं देखिए किसी के पास स्पेसिफिक रीजन नहीं पता है बिकॉज उस टाइम पे कोई था नहीं तो सारे लोग अनुमान लगाते हैं कुछ एविडेंसेस के बेस पे कुछ लॉजिकल रीजनिंग करते हैं उस हिसाब से बोलते हैं तो ये रहा बेसिकली डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन नाउ अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में कि कौन कौन से साइट्स कहां कहां मिले हैं और क्या क्या चीजें वहां इंपॉर्टेंट मिली हैं तो देखिए हरपल सिविलाइजेशन जो है ये सिचुएटेड है आपके रावी रिवर के बैंक पे मोन्टागोमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग टू शो यू द मैप बिकॉज दैट विल बी मच इजियर फॉर यू सो लेट मी Show you the map. This is the map. जैसे लास्ट वीडियो में इसकी खोज दयाराम साहनी ने हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर कर रखी है देखिए यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो देखिये यहां मिला है सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ़ ह्यूमन एनाटॉमी जैसे मेल टॉर्सो ये रहा फिर गेटवे सिटी एंड मीटिंग पॉइंट देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं बुलक कार्ड्स मिले देखिए रहा आपका और स्टोन डांसिंग नटराजा नटराज आप देखे होंगे नटराजा की जो फिगर शंकर भगवान जो नाच रहे हैं उसका और ग्रैनरीज मिली हैं बेसिकली अनाजों को स्टोर करने के लिए तो ये रहा हरपा यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्या मिला था और अगर आप स्टेट पी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन दो चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा कि खोज किसने की थी और किस रिवर पर यह है है अब हम बात करते हैं मोहन के बारे में तो देखिए इसकी खोज आर डी बनर्जी ने की थी और ये इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में देखिए यहाँ मिला क्या था तो ये ग्रेट पाथ जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में ग्रेट पाथ मिला है और फिर उसके अलावा ग्रैनरीज भी मिली हैं और ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल और यूनिकॉर्न सील यूनिकॉर्न सील हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें एक पशु था जिसके एक ही सींग थी और सील ऑफ पशुपति महादेव जैसे कि हमने वो भी देखा था सील ऑफ पशुपति महादेव अभी पिछले स्लाइड्स में जहाँ वो यौगिक पोजिशन में बैठे हुए हैं फिर स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ बर्ड मैन बियर्ड मैन ये रहे आपके जिनके दाढ़ी है बियर्ड मैन फिर अ पीस ऑफ वुमेन कॉटन ऑल्सो फॉर्म सो ये रहे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपके मोहन के जिसके जिसमें इंपॉर्टेंट है कि आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी नाइनटीन ट्वेंटी टू में इंडस रिवर पे स्टेब्लिड है और इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं वो बियर्डेड मैन डांसिंग गर्ल और ग्रेट पाथ और ग्रेनरीज देखिए अगर मोहन जुदारो को मैप पे देखे तो ये रहा आपका मोहन जुदारो जो इंडस रिवर पे सिचुएटेड है ना अब बात करते हैं चान्हुदारो के बारे में तो देखिए चानहुदारो जो सिटी थी इसकी खोज एनजी मजूमदार जी ने 1931 में करी है ये इंडस रिवर पे स्टेब्लिश्ड है तो ये रहा आपका चानू दारो और ये रहा आपका इंडस रिवर नाउ यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि दिस इज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडल इन होल हरप्पन सिविलाइजेशन तो एक अकेली सिटी थी जहां पे कोई सिटाडल नहीं मिला है ये याद रखने वाली चीज है इसे याद रखना पड़ेगा आपको अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज मिली हैं जहाँ पे सील्स टॉय बनाए जाते थे इंक पॉट भी मिला है बीड मेकर्स के शॉप भी मिले हैं तो ये रहा चांदहुदारों के बारे में अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में तो देखिए लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोथल वॉज द ओनली सिटी जहां पे डॉकयार्ड मिला हुआ है डॉकयार्ड ये रहा आपका फिगर और डॉकयार्ड के साथ एक पोर्ट सिटी मिली हुई है पोर्ट सिटी में अलग अलग वेयर हाउसेस बने हैं चीजों को स्टोर करने के लिए और इस डॉकयार्ड से बेसिकली फॉरन से ट्रेड होता था तो देखिए लोथल की खोज आर राव ने 1953 में करी है ये गुजरात के भोगावा रिवर पे स्टेब्लिश है हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं ये रही आपकी लोथल सॉरी ये रहा आपका लोथल देखिए अपार्ट फ्रॉम डॉकयार्ड यहाँ पे राइस हस्क मिला है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लोथल वाज़ द प्लेस जहां से पैडी और राइस के हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं तो बेसिकली यही राइस हस्क के एविडेंस मिले हुए हैं अपार्ट फ्रॉम फायर अल्टर्स मिले ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आग जलाने के लिए एक जगह होती थी फायर अल्टर की ये देखिए फिर अपार्ट फ्रॉम चेस प्लेइंग के लिए भी एक गेम जो होता है शतरंज का उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ औजार मिले हुए हैं फिर पोर्ट टाउन तो मैंने बात करा ही अपार्ट फ्रॉम दिस कॉपर डॉग मिला हुआ है आइवरी वेट बैलेंस तो आइवरी वेट हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो उसे जो नापने के लिए उसे तोलने के लिए जो तराजू का यूज होता है उसकी बात कर रहा है तो ये रहा आपका लोथल सिटी अब हम बात करते हैं धोलावीरा के बारे में तो धोलावीरा की खोज आर एस बिस्ट जी ने 1985 में की थी और ये गुजरात इन रन ऑफ कच्छ में पड़ता है लोकेशन देख लेते हैं इसकी धोलावीरा तो चाणूदारों को छोड़ के दो भागों में डिवाइडेड थी चाणुदारों में कोई सिटाडल था नहीं बट जो धोलावीरा थी यहाँ पूरी सिटी थी वो तीन भागों में डिवाइडेड था मिडिल टाउन लोअर टाउन और ये कैसल और सिटाडल जिसे सिटाडल बोलते थे बेसिकली तो ये तीन भाग भाग में डिवाइडेड था यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है बिकॉज पे नदियों पे बांध बनाकर पानी को रीलोकेट किया गया था एक बड़े रिजर्वायर में जहां से इरिगेशन पर्पस के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मिला है फिर इसके अपार्ट फ्रॉम स्टेडियम मिला है जहां पे पब्लिक गैदरिंग्स होती होंगी सोशल गैदरिंग्स होती होंगी तो दिस इज द इम्पोर्टेंट अबाउट धोलावीड़ा ये रहा आपका रिजर्वयर अब हम बात करते हैं राखी गरी के बारे में तो देखिए ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है इंडिया की बात करें अगर तो और अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है पहली साइट मोहनजुदारो है देखिए यहाँ पे मिला क्या है तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटॉन मिला है देखिए पूरा ह्यूमन स्केलेटॉन और अपार्ट फ्रॉम इसके यहाँ पे अलग अलग बैंगल्स मिले हैं टेराकोटा के फिगरिंग्स मिली हैं तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिली हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे ये जो साइट है वो इंडिया की सबसे बड़ी साइट है और दूसरी बात कि ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी सबसे बड़ी साइट थी नाउ इसके अलावा इट वॉज अ इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज यहाँ पे अलग अलग तरह के सील्स बैंगल्स बनाए जाते थे बीट्स बनाए जाते थे सो अ सील एंड अ पॉट शेड बोथ इंस्क्राइब विथ हरपन ये आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मिला है फिर ह्यूमन स्केलेटॉन मिला है जिसके बारे में लोकेशन तो हम देख लेते हैं ये रही आपकी राखी गरी जो हरियाणा में पड़ती है आज के फिर फिर हम कालीबंगन की बात करते हैं तो देखिए कालीबंगन की खोज अम्लानंद घोष ने नाइनटीन में की थी और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है और बैंक ऑफ घगघर रिवर पे ये सिचुएटेड है नाउ इसकी सबसे अच्छी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हमने पिछले वीडियो में की थी। क्योंकि यहां से हमें लैंड मिला है, हल हल चलाया हुआ लैंड जिस पे हल चलाने के निशान मिले हैं। और इसके साथ साथ ही हमें अलावा कॉपर ऑक्स आप यहां देख सकते हो और Evidences of Earthquake भी यहां से मिला हुआ है तो कालेबंगन के इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो गई

फिर हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन के रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था तो ये ऑप्शन भी सही होता है फिर इसके अलावा ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया ये भी ऑप्शन सही है हमने ये भी देखा कि कॉटन uh, अवेलेबल था यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन सही होंगे क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है पहले हमें सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में इसी चीज को मार्क करनी होती है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट अगर करेक्ट पूछा है तो आप इसे उस हिसाब से करेंगे क्योंकि कई बार होता है क्या है कि लोग जल्दी जल्दी में इस ऑप्शन को देखना भूल जाते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन गलत करके आते हैं नाउ तीसरा क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला ऑप्शन है कि दे ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं मिला हुआ है तो वैसे ये पहला ऑप्शन गलत हो गया फिर दूसरा हुआ दे वर्शिप्ट बोथ मेल एंड फीमेल डाइडी तो मैंने अभी बताया था आपको कि लिंगम और योनी की पूजा होती थी तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ फिर तीसरा है दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियो इन वॉरफेयर वार्फ तो देखिए हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे लेकिन वो भी सुपरफिशियल है हाइपरफिशियल है कोई एक पुख्ता सबूत जो बोलते हैं वो नहीं मिला है बट हॉट ड्रॉन चैरियट्स तो आर्यंस की थी, एक थी आर्यंस का कैरेक्टरिस्टिक्स था जब वो इंडिया में आए थे तो क्योंकि आपने महाभारत में देखा होगा वहां पे जो रथ थे जिससे युद्ध होता है तो वो बेसिकली उन्हें आर्य बोला जाता तो आर्यंस तो ही थे तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा और इस हिसाब से अगर तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन गलत होता है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पहला और ये और ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर नाउ अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट्स तो हमें इन दोनों लिस्ट को मैच करके बता रहे कि कौन कहां पे मिला है तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया लोथल से मिला है डॉक यार्ड तो ए का सेकेंड तो ए का सेकेंड, तो सेकेंड देखिए दो ऑप्शन में है आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं जल्दी हो जाएगा दो ऑप्शन में का का दूसरा है। तो ऑप्शन ए कट गया ऑप्शन डी कट गया सॉरी ऑप्शन सी कट गया उप्षेंड उसके बाद कालीबंगन तो कालीबंगन में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ रेप्लीफ्लॉ एंड टेन लार्ज साइज साइंस ऑफ स्क्रिप्ट और, और प्लॉड फील्ड तो कालीबंगन में हमने देखा था कि प्लॉड फील्ड मिला हुआ है तो बी का पहला तो देखिए बी का पहला दोनों ऑप्शन में सही है तो अभी हमें और आगे देखना पड़ेगा तो देखिए आता आपका धोलावीरा तो धोलावीरा में मिला देखिए धोलावीरा में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ तो बनावली में मिला था हमने पिछले वीडियो में ही देखा था तो डी का ऑप्शन तीन हो गया तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो गया और धोलावीरा में एन इंक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग टेन लार्ज साइज साइन ऑफ स्क्रिप्ट तो ये आपके धोलावीरा में मिला है ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में तो ये रहे क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में यूपीएससी में पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो इस तरह से हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेसिकली आपने इससे बहुत कुछ नया सीखा होगा और आई आई होप कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होंगी और आप फैक्ट्स को ईजिली याद कर पा रहे होंगे तो अगर आपके कोई कमेंट है कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट को चाहते हैं कि हम कवर करें उसे तो प्लीज़ उसे भी मेंशन करें हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा नॉलेट्स के ही नाम से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं और आप वहाँ पाएंगे कि काफ़ी यूनिक वे में आपको स्टडी कार्ड्स और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा एक पूरे कॉन्सेप्ट को अगर सपोज करो आपको एटीन फिफ्टी सेवन का uh, रिवॉर्ट पढ़ना है तो वहाँ आपको पिक्टोग्राफिकली uh, तीन चार स्लाइड्स में पूरा समझा दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का पास करके तो आप उसके थ्रू भी वहाँ पर नॉलेज गेन कर सकते हो तो प्लीज़ विजिट ओवर देर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी हैव अ वेरी गुड डे